Welcome guys on my YouTube channel Biology Bliss. Today the topic is features of food chain. ठीक है, हम लेक्चर फर्स्ट में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि फूड चेन क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कैसे करके ये फूड वेब बनाती है, इसके डिफरेंट ट्रॉफिक लेबल्स. ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं फीचर्स, इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं दैट आर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फूड चैन. ठीक है, बहुत सारे ला, बहुत सारे टर्म्स इसमें आएंगे, जैसे स्टैंडिंग क्रॉप, बायोमास, ट्रॉफिक लेबल, व्हाट इज दिस, है ये सब चीज़ क्या होती है, इनके बारे में हम बात करेंगे. देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है फूड चेन की, वो सी इल्टन, मतलब चार्ल्स इल्टन ने 1927 में दी थी. उनका आइडिया था, जो इसके बारे में थीम थी इसकी फूड चेन की, कि हु ईट्स होम, कौन किसे खाता है, इस बेस्ड पे उन्होंने एक सिस्टम दिया जिसे फूड चेन बोला गया है. ठीक है, और डेफिनेशन के पॉइंट से कि एक लीनियर इंटर रिलेशनशिप है, लीनियर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि एक डायग्राम फिर से एक बार देखते हैं. इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए डायग्राम को, एक ग्रीन प्लांट, दो पे हर्बीवोर्स, तीन पे कार्निवोर्स, चार पे टॉप कार्निवोर्स और पाँच पे डिकम्पोजर्स. ये सब जो है टू से फिफ्थ तक, ये सब कहलाते हैं आपके कंज्यूमर. और ओनली सिंगल वन कैटेगरी जो है प्रोड्यूसर्स की, इसमें ग्रीन प्लांट आते हैं, इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड मटेरियल बनाने की कैपेसिटी रखते हैं. और बाकी जो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स एंड डिकम्पोजर्स आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉप्स या फिर कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स का मतलब ये होता है यूज़ करने वाला, बनाने वाला नहीं, बनाने वाले तो प्रोड्यूसर्स, यूज़ करने वाले कंज्यूमर्स हो गए. तो ये जितने भी हैं सब ये कंज्यूमर हैं, मतलब टोटल फाइव हैं. फाइव में ओनली ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं और बाकी ये फोर जो हैं ये आपके कंज्यूमर्स हैं. ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि हर्बीवोर्स, जो कि एनिमल्स होते हैं, ये फीड करते हैं ग्रीन प्लांट पे, तो ये पहले नंबर के कंज्यूमर हैं, इसलिए हमने क्या बोला, कंज्यूमर्स. अब जो एनिमल इन हर्बीवोर को फीड करेंगे उन्हें हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ठीक है, और अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर पर फीड करेंगे उन्हें हम बोलेंगे टर्सरी कंज्यूमर्स. ठीक है, टर्सरी कंज्यूमर के बाद नॉर्मली कंज्यूमर नहीं होते हैं. ठीक है, इन सम केसेस को छोड़ के उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स. ठीक है, एक तो ये सीक्वेंस हो गया, दूसरा सीक्वेंस ये हो गया है कि जो कार्निवोर्स की कैटेगरी है, जिसमें हम बोलते हैं हर्बीवोर्स को फीड करने वाले जो कार्निवोर्स होते हैं, फर्स्ट कार्निवोर्स, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स. ठीक, अब क्योंकि हर्बीवोर फीड करते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स. अब जो कार्निवोर्स हर्बीवोर को फीड करेंगे तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर तो पहले होंगे, उसके बाद उन्हीं को क्या कहेंगे, क्योंकि कार्निवोर्स चेन में फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं तो ये प्राइमरी कार्निवोर्स कहेंगे. इसी तरीके से इन कार्निवोर्स पे दूसरे जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो फीड करते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी या फिर टॉप कार्निवोर्स. सेकेंडरी को टॉप इसलिए बोल दिया गया कि इसके बाद नॉर्मली कार्निवोर्स किसी फूड चेन में नहीं होते, इसलिए सेकेंडरी कार्निवोर्स ही टॉप कार्निवोर्स हैं. अदरवाइज ऐसे भी हो सकता है कि सेकेंडरी कार्निवोर्स के बाद टर्शियरी कार्निवोर्स आ जाएं और क्वार्टरनरी कार्निवोर्स भी आ सकते हैं, बट एज यूजुअल ऐसा नहीं होता है, सेकेंडरी कार्निवोर्स ही टॉप कार्निवोर्स होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि फूड चेन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच एनर्जी के ट्रांसफर का एक रिलेशनशिप होता है. ठीक है, जो एक इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब इसमें हम फिर से एक बार देखते हैं कि कौन से लेवल पे कौन से एनिमल होते हैं. देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एनिमल जो होते हैं इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, देखिए इसमें आते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास एंड ट्री. इसमें सब में सिमिलरिटी क्या है कि दे हैव क्लोरोफिल, सो दे हैव एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बाई एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, देखिए प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करने वाले प्राइमरी हैं, ये किस पे फीड करेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे. ठीक है, अब चूँकि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं हर्ब होते हैं, हर्ब मतलब प्लांट की कैटेगरी होती है, इसलिए इन पे फीड करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला गया, हर्बीवोर्स. ये रिप्रेजेंट करते हैं फूड चेन का सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को. और इसके एग्जाम्पल्स हैं जूप्लेंटॉन्स, ग्रास हॉपर्स एंड काउ. ठीक है, गाय जो होती है. इसके बाद अब प्राइमरी कंज्यूमर पे जो फीड करने वाले एनिमल्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं ये एनिमल्स होते हैं. एनिमल्स का मतलब होता है ये मीट के बने होते हैं, पूरी बॉडी लाइक अस,
ठीक है, तो इन पे जो एनिमल फीड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सिस्टमेटिक वे में कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब चूंकि प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया था वेजिटेबल्स, अब सेकेंडरी कंज्यूमर जो खा रहे हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर खा रहे हैं, दैट मेड ऑफ मीट या प्लस। तो इन्हें जो कंज्यूमर खा रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मीट खाने वाले, मतलब प्राइमरी कार्निवोर्स। आपको पता होगा कार्निवोर जो होता है मांस खाने वालों के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, अब ये जो रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये थर्ड टॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक बर्ड्स, फिश एंड वोल्फ, इसमें आ गए। इसके बाद आता है अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं इन्हें फीड करेंगे आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स, ये भी एनिमल होते हैं। ठीक है, अब ये उनसे बड़े एनिमल होते हैं तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर को बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स को बोलेंगे सेकेंडरी कार्निवोर्स। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं फूड चेन में फोर्थ टॉपिक लेबल को। ठीक है, इनके एग्जांपल में आपके हम लोग आते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स और लाइन। ठीक है, अच्छा अब हम फीचर्स की शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो का कि फूड चेन इज ए लीनियर रिलेशनशिप होता है अमंग द ऑर्गेनिज्म, जैसा डेफिनेशन बताया था मैंने। दूसरा है कि ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए प्लेस इन नेचुरल सराउंडिंग, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है वहाँ पर वो प्लेस को पोजिशन होती है उसकी। ठीक है, उसकी कम्युनिटी में किसके अकॉर्डिंग होती है पोजिशन, अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म, कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये कैसे करके अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, इस सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन के बेस पे ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है, उसकी एक स्पेसिफिक पोजिशन होती है अपनी कम्युनिटी में। ठीक, उस स्पेसिफिक पोजिशन को देखिए, उस स्पेसिफिक पोजिशन को हम क्या बोला गया, ट्रॉफिक लेबल, मतलब फूड ऑब्टेन करने की जो उसका एक तरीका होता है उस भी आप पे उसकी पोजिशन होती है, उस पोजिशन को ट्रॉफिक लेबल बोला जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए जो टोटल सोलर रेडिएशन आता है उसका एक पार्ट होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो सकती है, उसे बोलते हैं पार, मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। ठीक है, इस एक्टिव रेडिएशन का रोल क्या है, ये देखिए, ये टोटल जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है उसका 50% पार्ट होता है, क्या, पार। अब इस 50% पार्ट का 2-10% जो पार्ट होता है, ठीक है, वो पूरे लिविंग बर्ड को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कि पॉइंट समझने का है, यहाँ पर दो पॉइंट हैं, पार का 2-10% पार्ट पूरे जो अपना यूनिवर्स है इसकी एनर्जी, इसके सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए कि पार का कितने परसेंट पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका आंसर होगा 2-10%। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो हमारा टोटल सोलर स्पेक्ट्रम है, टोटल जो लाइट आती है, ठीक है, हम सोलर रेडिएशन तो 50% की बात करते हैं। ठीक है, आप सोलर स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, देखिए ये कंप्लीट लाइट, इसका जो प्लांट होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं लेस देन 1% ऑफ टोटल सनलाइट का। ठीक है, अब पार का 2-10%, ये ध्यान रखने की बात है। इसके बाद देखिए फर्स्ट टॉपिक लेवल फूड चेन का ऑलवेज रिप्रेजेंट बाई ग्रीन प्लांट्स, जिन्हें प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, और ग्रीन प्लांट्स आर ऑनली एबल टू टेक सोलर एनर्जी, ठीक है, एंड कन्वर्टिंग देम इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, बाई फोटोसिंथेसिस ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी प्रोसेस आर डिपेंड ऑन दिस एनर्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट इन इकोसिस्टम फूड या फूड चेन में, दिस एनर्जी कंज्यूम्ड बाई दी हर्बीवोर्स, जिन्हें प्लांट ईटर्स बोलते हैं, हर्बीवोर्स मेक द सेकेंड टॉपिक लेवल। देखिए सबसे पहले प्लांट ने अपनी भोजन बनाया तो फर्स्ट आ गए, उनसे जिन लोगों ने ली एनर्जी वो सेकेंड टॉपिक लेवल बन गया। इसमें कुछ अंडरलाइन भी मैंने किया रेड कलर से, देख रहे हैं आप लोग कि कह रहा है ग्रीन प्लांट के अलावा कोई और भी है क्या ऐसा कर सकता है, तो हाँ है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी सनलाइट का यूज करके अपना भोजन बना लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि पूरे यूनिवर्स की, पूरे मतलब जो हमारे अर्थ है, नेचर है, उसकी सब एनर्जी, जितने भी इकोसिस्टम चल रहे हैं उनमें सब एनर्जी का सोर्स सन है, मगर एक जगह ऐसी है जहाँ पे इस एनर्जी का यूज नहीं होता है, वो क्या है, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, ये जो ओशियंस होता है उसकी जमीन, उसका जो बॉटम होता है उस पर इकोसिस्टम होता है जिसे बोलते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती, तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं सिंथेटिक टाइप के बैक्टीरिया, वो फोटोसिंथेसिस टाइप की एक रिएक्शन करते हैं और उससे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उस एनर्जी से वहाँ का पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है, तो वहाँ पे सनलाइट का रोल नहीं है, आप ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होता है, हर्बीवोर्स जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, इन्हें जो फीड करते हैं एनिमल्स, ठीक है, वो आपको कहलाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट उसमें देखिए प्राइमरी कंज्यूमर्स ईटन बाई कार्निवोर्स, ठीक है, जिन्हें प्राइमरी कार्निवोर्स कह सकते हैं, और
सेकेंडली कंज्यूमर्स कहेंगे। ठीक है, जी कौन ये ट्रॉपिक लेबल कौन सा बनाते हैं, देखिए ये जो है ट्रॉपिक लेबल बनाते हैं थर्ड। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन फीड करेगा, टॉप कार्निवोर्स या फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स, और दूसरे टर्म में क्या है टर्सरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्सरी कंज्यूमर फीड करेंगे और बनाएंगे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता, इसके बाद आ जाता है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर जो हैं उनके लिए कोई कॉन्स्टेंसी नहीं है कि वो उनका लेवल फिक्स नहीं है फूड चेन में। ठीक है, यूजुअल में तो फिफ्थ टॉपिक लेवल को बनाते हैं, बट ठीक है उनके लिए कोई टॉपिक लेवल नहीं, बाइक कहीं पे भी इंटर कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान सकते हैं प्लांट को हर्बीवोर फीड करने से पहले ही प्लांट की अगर डेथ हो जाती है तो उस डेड बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो कहाँ पर पहुँच गए, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर पहुँच गए। ठीक है, फर्स्ट पे तो प्लांट थे, उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी को डिग्रेड करने के लिए डिकम्पोजर आ गए, तो ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर। ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट को हर्बीवोर ने खा लिया तो सेकेंड भी हो गया और फर्स्ट लेवल भी फिल हो गया, सेकेंड भी फिल हो गया। अब हर्बीवोर को जब डेथ हो गई तो उन्हें आगे उनकी बॉडी को कौन डिकम्पोज करेगा, आपके डिकम्पोजर। तो इस तरीके से डिकम्पोजर कहाँ पर पहुँच गया, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पहुँच गया। फिर भी मोस्ट ऑफ द इको सिस्टम में या फूड चेन में डिकम्पोजर का जो प्लेस होता है, जो ट्रॉपिक लेवल होता है, फिफ्थ होता है, बट इनके लिए ये कॉन्स्टेंसी नहीं है, दे कैन इंटर एट एनी प्लेस इन द ट्रॉपिक लेवल आर फूड चेन। ठीक है, अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने वीडियो में बताना चाह रहा था आपको इस वीडियो में स्पेशली, कि व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप। देखिए कुछ ट्रॉपिक लेवल हमने क्या बताया, फूड की पोजिशन होती है कि कोई एनिमल अपने इको सिस्टम में जो फूड लेने की उसकी पोजीशन होती है। ठीक है, उसका जो लेवल होता है उसे बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल। तो एक ट्रॉपिक लेवल पे कुछ एनिमल रहते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिक लेवल हैज़ ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब हिंदी में तो उसका मीनिंग अगर बताएं स्टैंडिंग, खड़ा हुआ फसल। खड़ा हुआ फसल का मतलब होगा एक लेवल है, एक ट्रॉपिक लेवल के एक स्तर है, वहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, उनका जो मास होता है, उनका जो वेट होता है, उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। और ये मास मतलब होता है कि नंबर। ठीक है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो स्टैंडिंग क्रॉप के लिए ज़रूरी है कि ट्रॉपिक लेवल में प्रेजेंट मास ऑफ लिविंग मटेरियल, बट उसमें कंडीशन लगेगी पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो मास होता है ऑर्गेनिज्म का एट एनी लेवल इन फूड चेन इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, अब स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है एक अपने आप में यूनिट है। ठीक है, मतलब एक वैल्यूएबल इसकी एंटिटी, इसका जो मेजरमेंट होता है वो बायोमास की टर्म में किया जाता है। ठीक है, बायोमास मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम नंबर भी काउंट कर सकते हैं पर यूनिट एरिया, ऐसे भी काउंट हो सकते हैं। ठीक है, द बायोमास ऑफ स्पीसीज इज एक्सप्रेस्ड दो तरीके से हम कर सकते हैं, फ्रेश या ड्राई वेट। बट मोस्टली केसेज में देखा गया है जो एक्यूरेट मीनिंग है वो बायोमास का ड्राई वेट के फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, तो आपसे एक अच्छा पॉइंट है कि जो बायोमास का जो मेजरमेंट होता है वो स्पेशली ड्राई वेट के फॉर्म में ज़्यादा एक्यूरेट है, और स्पेशली एंड फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ड्राई वेट पर यूनिट एरिया इज द मेजरमेंट ऑफ द बायोमास, और बायोमास इज द मेजर ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, अच्छा अब बायोमास से हम एनर्जी कंटेंट को कैसे कंसिडर करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारी मैथड्स होती हैं, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथड जो होती है बायोमास के थ्रू एनर्जी कंटेंट कैलकुलेट करने की, वो है बम कैलोरी मीटर मैथड। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं सब। एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर इज आइदर पास्ड ऑन टू ए कंज्यूमर और ऑर्गेनिज्म डाई। अगर एक प्रोड्यूसर ने सनलाइट के थ्रू फूड मटेरियल बना लिया, अब उसके बाद दो चांस हैं कि वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करे किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए। दूसरा चांस क्या हो सकता है कि वो वहीं पर डेथ हो जाए, उसके डिकम्पोज करने के लिए आएंगे डिकम्पोजर्स। ठीक है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, या तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करे या फिर उसकी डेथ हो जाए। डेथ के बाद डिकम्पोजर उसकी बॉडी को कम्प्लीटली डिग्रेड करके उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स को फर्दर सॉइल में एंड एटमॉस्फेयर में ऐड कर देंगे। ठीक है, फॉर द रिसाइकलिंग। अच्छा, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। बिल्कुल सही बात है, प्लांट पर डिपेंड करने का मतलब सनलाइट पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, फॉर देयर फूड नीड्स, इसलिए दे कॉल्ड कंज्यूमर्स। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, क्योंकि वो अपना फूड नहीं बना पा रहे हैं, दूसरों से ले रहे हैं, इसलिए हेटरोट्रॉप कहलाते हैं। और जो उनकी नेचर है कि कंज्यूम करना दूसरों से, इसलिए दे आर ऑल जो भी हित में आ रहे हैं प्रोड्यूसर्स के बाद वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर की पोजीशन, एक नंबर पे होते हैं प्रोड्यूसर्स,
हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो सेकेंड लेवल को करेंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स थर्ड को करेंगे, ठीक है, और सेकेंडरी टॉप कार्निवोर्स या टर्सरी कंज्यूमर्स आपके फोर्थ टॉप लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टॉप, जैसे हम फूड चेन में चलेंगे नीचे से फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड, थर्ड, तो नीचे से ऊपर चलेंगे तो एनर्जी का लेवल ऑलवेज जो है वो डिक्रीज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। जैसे हम कहें कि एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी 100 है, ठीक है, तो इसके दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी कितनी होगी? ओनली 10 होगी। इसका मतलब ये होता है कि जो एनर्जी 10% एनर्जी ला जो है लेने वाले में, उसमें ये बताया गया कि ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। अब 90% उसी लेवल पर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं या हीट की फॉर्म में डिसोसिएट कर देते हैं। ओनली 10% जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और उस ट्रॉपिक लेवल पे जो नीचे से आने वाली एनर्जी का 90% वहीं पर लास्ट हो जाता है। तो आप एग्जाम में ध्यान रखें, वो लास्ट पूछ रहा है या ट्रांसफ़र पूछ रहा है। अगर वो कहता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो कितने परसेंट एनर्जी का लॉस होता है, तो आंसर होगा 90%। अब वो कहता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो उसका आंसर होगा 10%, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दोनों दिए होते हैं एग्जाम में, इसलिए बच्चे जल्दी में गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, तो प्लीज़ ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज, ये तो हो गया वन टॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, तो वन से फोर तक टॉपिक लेवल होते हैं, ठीक है, तो वेन ऑर्गेनिज्म डाई तो इट कन्वर्टेड टू डेट्राइटस, सर्वाइज एनर्जी सोर्स फॉर द डिकम्पोजर्स, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन इज जनरली 4-5, ये भी क्वेश्चन आता है अपना। अच्छा, 4-5 क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आता है कि जो एनर्जी रूल ट्रांसफ़र है उसके अकॉर्डिंग एक बहुत मेजर अमाउंट जो होता है एनर्जी का वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए अगर 100% में से 90% तो लॉस्ट हो जाता है, 10% ही ट्रांसफ़र हो जाता है, तो कितना ट्रांसफ़र कर पाएंगे हम? तो 4 या 5 लेवल पर जाके एनर्जी ख़त्म हो जाती है। इसलिए फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल की जो नंबर्स है 4 या 5, वो एक उसकी लिमिटेशंस है एज पर एनर्जी लॉ, कि देर आर नो मोर देन 5 ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन बिकॉज एनर्जी ट्रांसफ़र मेकेनिज्म रिड्यूसेस द एनर्जी टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र प्रोसेस, सो देर आर नो मच एनर्जी टू ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र का रूल है उसमें सर्वाइवल के लिए जो एनर्जी पहुँच पाती है ओनली 4 या 5 लेवल तक पहुँच पाती है, उसके बाद उस एनर्जी का लेवल इतना रिड्यूस हो जाता है कि वो एनर्जी ट्रांसफ़र लाइक अमाउंट नहीं बच पाता है, ठीक है। इसलिए जो इनके नंबर्स हैं वो एक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। कह रहा है दिस नंबर इज रिस्ट्रिक्टेड बाई द एक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र लॉ, फॉलो 10% एनर्जी लॉ, एज पर दिस लॉ ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफ़र टू ईस्ट ट्रॉफिक लेवल टू लोअर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल, और 90% जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। अच्छा, ऑर्गेनिज्म एट ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर द एनर्जी। सिंपल सी बात है कि अपर ट्रॉफिक लेवल कोई है फोर्थ, अगर ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनकी एनर्जी की जो नीड्स होती है वो प्राप्त पूरी होती है थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो नीड्स ऑफ एनर्जी कंप्लीट बाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। और फर्स्ट वाले जो लेते हैं डायरेक्टली सनलाइट से लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पे कौन आता है? प्रोड्यूसर्स आते हैं। अच्छा, अब देखते हैं, इन नेचर इट इज़ पॉसिबल टू हैव सो मेनी लेवल लाइक प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है, तो टोटल कितने हुए? 4 ट्रॉफिक लेवल्स हो गए। अब हमने कहा कि 5 भी हो सकते हैं, तो कह रहा है इफ़ वी गो समथिंग बियॉन्ड, कुछ आगे जाते हैं तो ओनली पॉसिबिलिटी टू इंक्लूड टॉप कार्निवोर्स, हमारे पास एक ही रह जाती है पॉसिबिलिटी कि हम टॉप कार्निवोर्स भी इंक्लूड कर लें, ठीक है, जो कि अनदर लेवल ऑफ फूड चेन। दस द टोटल नंबर कितनी हो जाएगी? 5, बस ये लास्ट है, 5 ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल।